नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम अध्यात्म शास्त्र के अनुसार योग क्या है तथा अलग अलग योगानुसार साधना मार्ग के विषय में जानकर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सतगुरु नंद कुमार जाधव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सतगुरु नंद कुमार जाधव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता, उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज सत्संग के आरंभ में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग सुनेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य ने उन्हें पूछा कि मनुष्य के मन में सांसारिक चीज़ों को पाने की और इच्छाओं को लेकर व्याकुलता रहती है। व्यक्ति इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न करता है। ऐसी व्याकुलता भगवान को पाने की, भक्ति करने की क्यों नहीं होती? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया कि ऐसा अज्ञानता के कारण होता है। व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को पाने के भ्रम में उलझा रहता है। मोह माया में फंसे होने के कारण व्यक्ति भगवान की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। शिष्य ने अगला प्रश्न किया, ये भ्रम और काम वासनाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण परमहंस जी बोले, सांसारिक वस्तुएं भोग हैं और जब तक भोग का अंत नहीं होगा तब तक व्यक्ति भगवान की ओर मन नहीं लगा पाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि कोई बच्चा खिलौने से खेलने में व्यस्त रहता है और अपनी माँ को याद नहीं करता है। जब उसका मन खिलौने से भर जाता है अथवा उसका खेल खत्म हो जाता है तब उसे माँ की याद आती है। यही स्थिति हमारी भी होती है। जब तक हमारा मन सांसारिक वस्तुओं और कामनाओं के खिलौने में उलझा रहेगा तब तक हमें भी अपनी माँ अर्थात परमात्मा का ध्यान नहीं आएगा। भगवान को पाने के लिए, भक्ति के लिए हमें भोग विलास से दूरी बनानी पड़ेगी, तभी ही हम भगवान की ओर ध्यान दे पाएंगे कि सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए साधक को दैनिक जीवन में कामना और इच्छाओं का धीरे धीरे त्याग करना आवश्यक होता है।
आज हम प्रत्यक्ष साधना के बारे में जानकारी लेंगे। जी सदगुरु जादव जी, हाँ? कथा से हमें प्रेरणा मिली। अच्छा, अब प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए? जी बताता हूँ। जी पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति एक समान साधना नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म में साधना का एक मूलभूत सिद्धांत है। जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ एवं उतने ही साधना मार्ग, ये अध्यात्म का मूलभूत सिद्धांत है। पृथ्वी की जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के 700 करोड़ से अधिक मार्ग है। 700 करोड़ में से कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, मन, रुचि, अरुचि, गुण दोष, आशा आकांक्षाएं, वासनाएं सर्व भिन्न हैं। प्रत्येक की बुद्धि भिन्न है, संचित प्रारब्ध भिन्न है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, जिन तत्वों से मनुष्य बना है, उन पंच तत्वों का प्रमाण भी भिन्न है। सत्व, रज, तम, इन त्रिगुणों का प्रमाण भी भिन्न भिन्न है। संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति एवं पात्रता भिन्न है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के साधना मार्ग भी अनेक हैं। अपनी प्रकृति तथा पात्रता के अनुरूप साधना करने पर शीघ्र ईश्वर प्राप्ति होने में सहायता मिलती है। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने साधना का ये नियम साधकों को सिखाया। इस कारण सनातन संस्था के एक ही छत्र के तले सहस्त्रों साधक अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न साधना कर रहे हैं। जी अब आगे का भी प्रश्न है कि हाँ? अनेक धार्मिक संप्रदायों में एक समान साधना सिखाई जाती है, हाँ? इसके संदर्भ में अध्यात्म का क्या नियम है? अच्छा, वैसे तो एक ही प्रकार की साधना नहीं सिखानी चाहिए। अच्छा, इसका कारण बताता हूँ। जी देखिए, कोई डॉक्टर यदि प्रत्येक रोगी को एक ही औषधि दे तो ये उचित होगा क्या? नहीं ना। उसी प्रकार संप्रदाय अनुसार सभी का एक ही साधना करना अनुचित सिद्ध होता है, क्योंकि सभी के त्रिगुण, पंचभौतिक तत्व, संचित प्रारब्ध एवं क्रियमान कर्म इत्यादि भिन्न होते हैं। एक ही साधना करना जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियां एवं उतने ही साधना मार्ग, इस सिद्धांत के विपरीत होगा। इसलिए सांप्रदायिक साधना में ना फंसना यही उत्तम है। इसके अलावा सांप्रदायिक साधना से अन्य संप्रदायों के प्रति निकटता भी नहीं लगती। इसलिए ये संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है, इस ध्येय के निकट भी साधक नहीं पहुंच सकते। सांप्रदायिक साधना से केवल मन की तैयारी होती है। हमें तो साधना में आध्यात्मिक प्रगति करनी होती है, तो वो प्रगति होनी चाहिए। यद्यपि कोई भी साधना न करने की अपेक्षा सांप्रदायिक साधना करना निश्चित ही उचित है। जी आपने बताया कि हर व्यक्ति का साधना मार्ग अलग अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग इत्यादि अलग अलग साधना मार्ग बताए गए हैं। हाँ।
इन लोकप्रिय साधना मार्गों का अनुकरण कर क्या हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं? जी, बताता हूँ। जी, सर्वप्रथम योग इस शब्द का अर्थ समझ कर लेते हैं। योग शब्द यूज धातु से बना है। योग अर्थात जुड़ना, जीव का शिव से मिलन होना अथवा भक्त का ईश्वर से एकरूप होना, जिसके द्वारा संभव होता है वो योग है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि सभी योग मार्ग आध्यात्मिक उन्नति के लिए पोषक हैं। जी, तो अनेक योग मार्गों से एक साथ साधना करने से आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रतम हो सकती है क्या? जी, बताता हूँ। जी, यदि आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र गति से होनी चाहिए ऐसे लगता है, तो उसके लिए आवश्यक होता है अनेक में से एक की ओर जाना। इससे आपको ध्यान में आएगा कि अनेक साधना मार्गों से साधना करने की तुलना में एक ही मार्ग जो स्वयं की प्रकृति के लिए पूरक है, उसके द्वारा साधना करने से शीघ्रतम आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, हम जिस साधना मार्ग से साधना करते हैं उसमें भी अनेक में से एक की ओर जाना अपेक्षित होता है। ये विस्तार से समझने के लिए मैं एक एक योग मार्ग में अनेक में से एक की ओर जाने के लिए क्या प्रयास करने होते हैं ये बताता हूँ। पहले कर्मयोग में, कर्मयोग में अनेक जगह अन्नदान के लिए पैसे देना, गरीबों को कंबल बांटना, अनेक भिखारियों को दान देना, ऐसे करते करते आगे चलकर साधक किसी एक पाठशाला अथवा चिकित्सालय को दान देता है। इस प्रकार से अनेक में से एक में जाना होता है। अब ज्ञान योग में, ज्ञान योग में अनेक में से एक की ओर जाना अर्थात अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों के अभ्यास के पश्चात अंत में किसी एक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री योग वासिष्ठ, श्रीमद् भागवत, श्री भावार्थ दीपिका, तुलसी रामायण की ओर साधक आकृष्ट होता है। भक्ति योग में अनेक में से एक की ओर जाना अर्थात साधक का झुकाव अनेक देवताओं की पूजा से एक देवता की पूजा की ओर, अनेक तीर्थ यात्राओं की अपेक्षा एक तीर्थ यात्रा की ओर और अनेक पोथियों से एक पोथी की ओर हो जाता है। ऐसे ही नाम संकीर्तन योग के अनुसार साधक अनेक देवताओं के नाम जप के स्थान पर एक देवता का नाम जप कर सकता है। गुरु कृपा योग में आरंभ में साधक अध्यात्म के अधिकारी व्यक्ति और संत के पास जाता है, फिर उनके जीवन में गुरु प्राप्ति होने के बाद आगे की साधना गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में शुरू हो जाती है। सदगुरु जादव जी, प्रश्न था कि सिन्नी गोयल जी ने पूछा है, नमस्कार गुरु जी, आपको हर्षपूर्ण सादर प्रणाम। अरे वाह, मैं डॉक्टर हूँ और साधना कर ईश्वर प्राप्ति करना चाहता हूँ। अच्छा है, ये प्रश्न भी अच्छा है और साधना करने की इनकी लगन भी है। हाँ जी, डॉक्टर सिन्नी जी, आपका विचार बहुत ही अच्छा है। आपके संपर्क में
सनातन संस्था के कोई साधक अथवा हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ता होंगे तो आप उनसे संपर्क कर साधना के विषय में मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर कोई संपर्क में नहीं है तो आप आपका संपर्क क्रमांक हमें दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण जी के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानि मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नामजप करने के बाद मन को कैसे लगा इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती शिप्रा जी हमें देंगी। जी, अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत और सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने यह सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट करके नाम जप कर सकते हैं। आज संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है, हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। आप सभी से बताते हुए आनंद हो रहा है कि आज शाम 6 बजे से 7:30 बजे विशेष धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के विषय में संक्षेप में बताती हूँ। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा चर्चा हिंदू राष्ट्र की इस विषय के अंतर्गत विशेष चर्चा हेतु यह धर्म संवाद का ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस चर्चा का विषय है
भारत का विकृत सेक्युलरिज्म। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जो मान्यवर सहभागी होंगे वे हैं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ नेता तथा अभ्यासक श्री तपन कुमार घोष, रूट्स इन कश्मीर संगठन के संस्थापक श्री सुशील पंडित जी, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रवक्ता और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी और हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगरे जी। इस ऑनलाइन चर्चा सत्र का लाभ आप सभी अवश्य उठाइए तथा अपने मित्रों और परिचितों को भी इस विषय में अवश्य बताइए। और एक बात बताना चाहूँगी, इस लाइव चर्चा सत्र के लिए सेक्युलरिज्म विषय पर यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछने हैं तो आप इस क्रमांक पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो क्रमांक है 9990223837। पुनः दोहराती हूँ, 9990223837। आप सभी आज यह कार्यक्रम अवश्य देखिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से इस सत्संग का लाभ हम ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आज का नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।